नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। देश भर से कोरोना के कहर से जुड़ी हुई कई डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस बीच हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से रिपोर्ट लेकर सामने आ रहे हैं। आज पूरे दिन हमारे रिपोर्टर अलग अलग जगहों पर गए, दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन पर रिपोर्टिंग की, कहां शमशान घाट भी फुल हो गए और मुंबई में लॉकडाउन के बाद भी ट्रैफिक जाम क्यों लगा है। जी मीडिया की टीमें अलग अलग अस्पतालों में भी गई, जरूरतमंद मरीजों को अस्पताल में एडमिट भी कराया, साथ ही यह जानने की कोशिश भी की कि आखिर इतनी तादाद में लोगों के दम तोड़ने की वजह क्या है। सुबह से मैंने अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत देखी। इस वक्त मैं दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मौजूद हूँ। अस्पतालों की क्या स्थिति है उसको आप यहाँ पे मौजूद देख सकते हैं कि किस तरह से इमरजेंसी के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा है और किस तरह से कितनी बदहाल कंडीशन है। यहाँ पे आप मरीज देख सकते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के बैठे हैं, तड़प रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, तड़प रहे हैं एडमिशन के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। क्या हालात है, क्या समस्या है? मैं एक घंटे से खड़ा हूँ, मेरा कोई जानने वाला अंदर है। इस बंदे को एक घंटा हो गया ऑक्सीजन नहीं दिया गया जी, है ना, एक घंटा हो गया तड़फ रहा बंदा। ये सिचुएशन ऐसा, एक घंटे के अंदर मैंने 6 बॉडी देखी भी जाते हुए, बिल्कुल लवारिस में छोड़ रखा है यहाँ पे इन लोगों ने। अगला तड़फ रहा देखिए मैम क्या हाल है इनका। और यहाँ पे भी कुछ परिजन नजर आ रहे हैं। मैम क्या समस्या आ रही है? अरे ये नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ना सिलेंडर दिया है ना कुछ भी नहीं, और बाहर ऐसे पड़े हैं। ऐसे तो अच्छा भाई घर पे ही अपना जो हो वही ठीक है। क्या 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 रहे मैम? से कम दवाई तो घर पर आदमी दे रहा था, कुछ भी नहीं देख तो रही है। अभी क्या क्या रहे मैम अंदर जो डॉक्टर है वो क्या कह रहे, किसी बात करे जगह नहीं है। ये सिचुएशन है दिल्ली के जीटीबी अस्पताल की, जो कि फुल्ली कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है। तस्वीरों में देखिए मैम, आपका कोई एडमिट है अंदर? हाँ मेरा हस्बैंड है। कोई मैम बताया सिचुएशन अंदर क्या है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि स्ट्रेचर्स ही बाहर दिए गए हैं, अंदर कोई एडमिट नहीं कर रहे किसी को। एडमिट मतलब वहाँ पे कोई मतलब गैस ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है, तो कैसे लेगा और बहुत हालात खराब है अंदर, बहुत हालात खराब है। क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है? हाँ ऑक्सीजन का बहुत शॉर्टेज है, मतलब मैं सिर्फ यहाँ का बात नहीं बोल रही हूँ, मैं पूरा दिल्ली घूम के आई हूँ। पेशेंट इधर से उधर घूम रहा है तो कोई भी अरेंजमेंट सही नहीं है। आठ पेशेंट मर गया सुबह से, मैंने मेरे आंखों के सामने मरा 7 से 8 पेशेंट, अभी 3 पेशेंट को निकाला। सबकी तरह ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से? हाँ हाँ ऑब्वियसली। क्या बोल रहे हैं भाई साहब अंदर आपको? ये कह रहे हैं कि मर चुके हैं, हम नहीं लेंगे यहाँ पे। लेकिन आप लोग एम्बुलेंस में लेकर के आए थे ना इन्हें? हमने नॉर्मल गाड़ी में लेके आया। कह रहे अंदर लिंक कुछ भी नहीं चेक किया इन्होंने? ECG किया इन्होंने, कह रहे ECG का बिल्कुल खत्म नहीं है। ये तस्वीरें आपको परेशान कर देंगी, आपको सोचने में मजबूर कर देंगी कि आप अपने मरीज को कहाँ लेकर के जाएं, कैसे इलाज करें। इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये आप देखिए पूरे परिवार का दर्द, पूरे परिवार का शोक, पूरा परिवार अब, क्योंकि उनके बीच में जो व्यक्ति सुबह से चल रहा था वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सांस उनकी बहुत नीचे हो गई थी, ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे चला गया था, सुबह से ऑक्सीजन नहीं मिला किसी भी अस्पताल में, इसलिए अब वो अपनों के बीच नहीं है। ये 25 साल का नौजवान है जो कि कोरोना से ग्रसित है और ये देखिए किस तरह से ये तड़प रहा है ऑक्सीजन के बावजूद। और देखिए यहाँ LNJP अस्पताल में बेड नहीं है और इनके पिताजी जो हैं वो उनका रो रो के बुरा हाल, क्या दिक्कत हुई थी? इनको कोरोना टेस्ट कराया पहले महावीर में, कोरोना टेस्ट किया, उसके बाद वहाँ कहा ले जाओ घर, ले गए, फिर 2 दिन के बाद हालत ज्यादा खराब हो गई। वहाँ कौन कौन से हॉस्पिटल गए हैं? मैं सर गुरु गोविंद रघुवीर नगर गुरु गोविंद, वहाँ नहीं लिया मुझे, सफदरजंग भेजा वहाँ नहीं लिया, राम मनोहर लोहिया ले आया वहाँ नहीं लिया, कल रात को हार मान के मैंने अपने घर ले गया। हमारे पास मेरे पास ऑक्सीजन था जब तक चला, अब फिर स्थिति खराब हो गई, एम्बुलेंस में लेकर मैंने आया, एम्बुलेंस वाले ने बाहर फेंक दिया इसको। तो आप समझ सकते हैं कि वो देखिए, ये देखिए पिता का रो रो के बुरा हाल है। कोई नहीं ले रहा है, चर्चर हॉस्पिटल दौड़ के आ गए हैं,
कोई एडमिट नहीं ले, हमारे पास ऑक्सीजन भी है, अरे बेल्चर पे रख कर उसका ऑक्सीजन मेरे पास है, उसका इलाज करिए, उसका इलाज करिए, बेल्चर पे रख कर मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास है ऑक्सीजन, बेल्चर पे उसको रख कर हॉस्पिटल में इलाज करिए, आग लगा दूंगा पूरा हॉस्पिटल में, आग लगा दूंगा, अगर कुछ हो गया भर्ती नहीं यही मिट्टी छिड़ी के आत्महत्या कर लूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, अगर भर्ती मेरे लड़के का कुछ हो गया तो मैं जिंदा ही जल जाऊंगा, ही मर जाऊंगा। अम्मा कहाँ से आ रही हैं आप? मैं मलकागंज से आ रही हूँ। क्या हुआ यहाँ अस्पताल में, भर्ती क्या दिक्कत है आपको? वही है सांस, थोड़ा बहुत दिक्कत है सांस की, ये सब कारण है, कोरोना टेस्ट हुआ था सब नेगेटिव आया था, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आया था, उसके बाद उन्होंने बोला कि एडमिट किया, ग्लूकोज चढ़ाया, उसके बाद कह रहा कि ना दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, इनको ऑक्सीजन की कमी है, मेरा ठीक है तो एडमिट कर, उन्होंने ऑक्सीजन कितना ले बोला 80% बता रहे हो, 80% ये क्या कह रहे हैं, LNGP क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि ना अपना ये राजा हरिश्चंद्र जाओ या फिर ना तेज ये GTV जाओ, GTV वो क्या कहते हैं राजीव गांधी हॉस्पिटल ये सजेशन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, सजेशन किया जा रहे वहाँ पे जाओ तो उधर से वो सजेशन करेंगे उस हॉस्पिटल जाओ, ये यही इधर से उधर उधर से इधर। ये तस्वीर कमोवेश पूरे दिल्ली के अस्पतालों की है, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देखिए एम्बुलेंस जो आपको ये नज़र आएगी, ये एम्बुलेंस मरीज का इंतज़ार नहीं कर रही है, बल्कि इस एम्बुलेंस में पहले से ही मरीज है और अस्पताल में एडमिट होने का इंतज़ार हो रहा है, और अस्पताल साफ ये कह रहा है कि बेड्स नहीं है इसीलिए हम आपको एडमिट नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे देश में हाहाकार है बेड्स और ऑक्सीजन को लेकर, और लोग जो हैं तड़प रहे हैं अस्पताल के बाहर। निश्चित तौर पे ये जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं मन को झकझोर देने वाली है, और लगातार इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो पूरी दिल्ली से लेकर पूरे देश तक नज़र आ रही हैं। मोती नगर के शंकर गैस एजेंसी, वो जगह जहाँ पे सिलेंडर लिए अपने हाथों में लिए लोगों की लंबी कतार नजर आई। इस वक्त हम मोती नगर में हैं और देखिए ऑक्सीजन की मार किस तरह से है, ऑक्सीजन की लड़ाई और ऑक्सीजन की किल्लत अस्पतालों में तो देखने को मिल रही है, लेकिन जहां पर ऑक्सीजन रिफिल हो रही है वहां पे आपको मैं दिखा देती हूं लंबी कतारें, लोग घंटे दो घंटे तीन घंटे से वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, जो रिफिलिंग सेंटर है अधिकांश जगहों पर तो रिफिल बंद हो गई है, और जैसे ही लोगों को कहीं पता चल रहा है वहां पे कतार लंबी किस्से से लग रही है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अंकुर एक बात बताइए, आप यहाँ क्या लेने आए हैं, क्या लेने पहुंचे हैं, स्थिति क्या देख रहे हैं? स्थिति ये देख रहा हूँ कालरा हॉस्पिटल में, मेरा सामने मोती नगर में मेरा भाई एडमिट है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, तीन दिन से रात को इनकी ऑक्सीजन कम कर दी जाती है, और मैं सुबह 6-6 बजे उठ के आगे पेशेंट को ठीक करवाता हूँ, उसमें ये बोल देते हैं कि हमारे पास सिलेंडर की ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हुई है इस वजह से। सर कसने कितने देर से खड़े हैं आप? मैम एक घंटा करीब हो गया, एक घंटा हो चुका है। कितनी समस्या आ रही है, एक सिचुएशन क्या है, क्योंकि हमने सुना है कि कई रिफिलिंग सेंटर्स तो बंद भी हो चुके हैं, हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करिए तो वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं सुबह से काफी जगह जा चुका हूँ, मायापुरी में इतने चक्कर काट लिए, वहाँ कहीं कोई गैस अवेलेबल नहीं है, वहाँ से लोग धक्के मार के निकाल रहे हैं, यहाँ एक जगह मिली मैं यहाँ आया, फिर यहाँ कब से लाइन में लगा हुआ, तो बहुत समस्या आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। क्या अस्पताल वाले भी कह रहे हैं कि सिलेंडर लेके आइए आप खुद? हाँ जी, उन्होंने ही बोला है हमें, हम तभी रिफिल कराने लेके आए, वो तो वहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं उन्हें पेशेंट्स को कि आप ले जाइए, हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ये तो हाल हो रहा है हॉस्पिटल। तो अस्पताल कह रहे हैं कि आप सिलेंडर लेके आएंगे तो हम लोग रखेंगे, वरना आप डिस्चार्ज ले जाइए। हाँ जी, हॉस्पिटल वाले यही कह रहे हैं, इसलिए मैं स्पेशली आया हूँ, एक भरवा के क्यों, अभी एक और भरवाने आया हूँ। सर आपको क्या समस्या आ रही है? बस ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है, सारी जगह प्लांट मायापुरी का बंद हो गया है, नरेना बंद हो गया है, कहीं अवेलेबल ही नहीं है, ये सातवीं जगह जहाँ मैं आया हूँ अब यहाँ पे मिल रही है। सातवीं जगह? हाँ, सेवंथ जगह। आपको लगता है कि सरकार का मैनेजमेंट ठीक से कर दी तो शायद इसको मैनेज किया जा सकता था? मैडम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ लूज रह गया है, अगर ये प्लांट पहले से रेडी रखते तो ये नौबत नहीं आती।
शंकर जी, ये है जिनकी दुकान है जहाँ पे तमाम सिलेंडर जो रिफिल किए जा रहे हैं। शंकर जी, आपको क्या समस्या आ रही, क्योंकि कई लोग जो पीछे खड़े हैं उनको ये डर भी है कि अब आपके पास भी दो ही बड़े सिलेंडर बचे हैं, वो भी खत्म हो गए तो शायद इनका सिलेंडर नहीं भर पाएगा। तो आपको कितनी समस्या आ रही है, जहाँ से आप भर के लेकर के आ रहे हैं वहाँ पे क्या कहा जा रहा है? वहाँ मैडम मुझे गैस नहीं मिल रही, मैंने सवेरे लेके गया 18 सिलेंडर जी, कल मैंने रात में लेके गया हूँ, 8 बजे गया हूँ, 18 सिलेंडर लेके गया है जिसमें से मुझे 11 सिलेंडर मिला है जी। 11 सिलेंडर में हमने सवेरे से लगे हैं, जितनी सेवा कर पाया मैंने कर रहा हूँ जी। अब फिलहाल मेरे पास 160 मतलब दो सिलेंडर है, 160 लीटर जो है, 160 लीटर में जितने हम भर पाएंगे उतनी हम सेवा करेंगे। 160 लीटर में लगभग कितने सिलेंडर भर पाएंगे? 160 लीटर में ज्यादा से ज्यादा 20 सिलेंडर भर जाएंगे। सिलेंडर्स बढ़ रहे हैं लेकिन लेकिन ऑक्सीजन का जो रिफिल है वो जो है काफी कम मात्रा में अवेलेबल है, इसीलिए यही दिक्कत दिल्ली के तमाम रिफिल सेंटर्स पर आ रही है और अस्पतालों में भी जो किल्लत है वो बनी हुई है। इस वक्त हम दिल्ली के सुभाष नगर शमशान घाट में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हालात बद से बदतर हो गए हैं। लगातार मौतों का सिलसिला जारी है जिसके चलते अब ये जो शमशान घाट है उसमें जगह बची नहीं है, अब नई बुकिंग भी लेना बंद कर दिया गया है, यानी कि ये जो शमशान घाट है वो फुल हो गया है। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से एक दिन में 25 से अधिक शव यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसके चलते स्थिति जो है वो बस से बदतर होती जा रही है। कमोबेश पूरे दिल्ली की अगर बात की जाए तो लगातार मौतों का जो आंकड़ा है खासकर कोरोना की वजह से वो बढ़ता ही जा रहा है और पॉजिटिव केसों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे में ये मौतों का सिलसिला जो है वो कैसे रुकेगा, ये सवाल जो है वो सरकारों के सामने है। और देखिए तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो शमशान घाट है वो पूरी तरह से फुल हो गया है, नई बुकिंग नहीं ली जा रही है। आपको बता दें कि नई बुकिंग नहीं ली जा रही है, जहां भी आप देखेंगे चिताएं जल रही हैं, जहां भी आप देखेंगे वो चिताएं जल रही हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां लगातार लोगों को कह दिया गया है कि अब नई बुकिंग जो है वो अब नहीं ली जा सकती है। तो जगह अब बची नहीं है क्योंकि लगातार शव यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख दूर दूर तक अगर आप तस्वीर देखें तो शमशान घाट में जगह नहीं बची है क्योंकि मौतों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है कोरोना की वजह से। ऐसे में शमशान घाट प्रबंधन ने अब नई बुकिंग लेना जो है वो बंद कर दिया है क्योंकि 50 से अधिक जो शव हैं यहाँ रोज पहुँच रहे हैं। तो हालात अगर कहा जाए दिल्ली की तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त मैं आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के अंदर खड़ा हूं कंपनी के, ये सूरजपुर कसाना रोड ग्रेटर नोएडा के अंदर आता है और आपको दिखाता हूं यहां की तस्वीरें। इस वक्त हम सिलेंडर वाले सेक्शन के पास खड़े हैं, आप देखिए यहां पर तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जरा। ये जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है ये यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर का सेक्शन है, लगातार यहाँ पर ऑक्सीजन का काम चल रहा है और 1200 सिलेंडर पर डे यहाँ से निकाला जाता है ट्रकों में भरकर नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर के लिए, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली के लिए भी यहाँ से मैक्सिमम सिलेंडर्स सप्लाई होते हैं। ये आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा स्टॉक है, हरा नीला लाल ब्लैक ये अलग अलग कलर्स में इसको जो भी कोडिंग इनकी होती है उस हिसाब से किया गया है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन फिलिंग, ये फिलिंग स्टेशन है और ये आइनॉक्स सूरजपुर के प्लांट के अंदर हम खड़े हैं और क्योंकि यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो गौतम बुद्ध नगर के सदर के जो SDM हैं प्रसून द्विवेदी, वो भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें डाटा देंगे कि यहाँ से कितने ऑक्सीजन सिलेंडर रोज़ निकाले जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इंचार्ज वही हैं यहाँ के। प्रसून जी, प्रसून जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रसून जी आपसे ज़रा जानना चाहेंगे, इस वक्त हम आइनॉक्स गौतम बुद्ध नगर सूरजपुर में खड़े हैं, आप यहाँ के इंचार्ज हैं, रोज कितने सिलेंडर्स यहाँ से डिस्पैच हो रहे हैं, कितनी ट्रकें जा रही हैं, कहाँ कहाँ जा रही हैं? देखिए ये 1200 सिलेंडर यहाँ से रोज जो है वो होते हैं, जिसमें करीब 600 650 करीब दिल्ली के हैं और बाकी जितने बचते हैं हमारे गौतम बुद्ध नगर के हैं जो है जी। और गौतम बुद्ध नगर के डिफरेंट अस्पताल हैं, कुछ JR JS SRS कैलाश मेट्रो भी है, फोर्टिस है, JP है, तो अलग अलग हॉस्पिटल्स को ये जो है सिलेंडर्स जाते हैं रोज सुबह, एक सुबह से लेकर चलता है पूरा और रात तक लगातार जिस तरह से ट्रक्स आते हैं जैसे जैसे उनकी डिमांड्स आती हैं वैसे वैसे हम लोग कराते हैं।
और दिल्ली के लिए भी यहाँ से सर आप लोग सप्लाई दे रहे हैं? हाँ, दिल्ली से ये जो इनका जो LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट है जी, वो 35 टन की उसकी सप्लाई कैपेसिटी है, जो पूरा पूरा लोकेशन अभी जो है वो दिल्ली के लिए है। गौतम बुद्ध नगर के और दिल्ली के अस्पतालों में लगातार भेजी जाती है, जैसा कि SDM सदर प्रसून द्विवेदी ने बताया है। और आप देखिए रिफिलिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। ये आइनॉक्स के कसाना के सूरजपुर के प्लांट में हम इस वक्त मौजूद हैं और अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है और क्या स्टॉक है। देखिए, मैं इस वक्त धारावी में मौजूद हूँ। धारावी मुंबई का वो नाम है जिसने पिछले साल कोहराम मचा दिया था, लेकिन यहाँ कमोबेश जो हालात ऐसे हैं, नॉर्मल हालात है। लोग देखिए, मेरे पीछे लोग यहाँ से तमाम निकल रहे हैं। कोई लॉकडाउन जैसी चीज नहीं है। ब्रेक द चेन जिस बात की सरकार कह रही है, उस कैसी चीज नहीं। तो चूंकि आप देखिए, बड़ी तादाद में यहाँ पर गाड़ियां चल रही है। ये धारावी मेरे पीछे पुलिस स्टेशन है और लोगों को आप देखेंगे तो यहाँ ऐसे निकले हुए हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है और उसके बावजूद छोटे छोटे मासूम बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग यहाँ सब ऐसे ही बैठे हैं पूरे इलाकों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लॉकडाउन जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है। जो सरकार ने दावा किया था कि ब्रेक द चेन, वो यहाँ पर खोखले दावे है। और सबसे बड़ी बात यही है कि तमाम जो हालात, देखिए इस समय ट्रैफिक के हालात दिखा रहा हूं मैं, जरा ट्रैफिक के हालात देखिए। दूर तक जहां तक आपको मेरे कैमरे की नजर जाएगी, वहां तक जाम लगा हुआ है। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, ये पुलिस स्टेशन है और यहां से पीछे तक जाम लगा हुआ है। तमाम लोग यहां से घरों से बाहर निकल रहे हैं, लोग इसी तरीके से सड़कों पर घूम रहे हैं। हालांकि जो कुछ शॉप्स हैं उनके शटर डाउन जरूर है, लेकिन बावजूद इसके तमाम चीजें हैं। कोरोना है, किस तरह की तस्वीर है? पब्लिक तो थोड़ी बहुत बाहर घूम ही रही है, समझ नहीं रही हो, हालात जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले साल देखा क्या हुआ था यहाँ? पिछले साल तो पूरा लॉकडाउन लगा था, तो पूरा कर्फ्यू टाइप लगा था। तो यहाँ लोगों में डर नहीं है? अभी फिलहाल तो नहीं है डर इनमें। अगर यहाँ पर एक बार फिर से कोरोना फैल गया, क्योंकि अगर यहाँ पर टेस्टिंग हो गई तो पिछले साल के हालात सबको याद होंगे। धारावी का नाम सुन के लोगों का जहन ठहर जाता है और खासतौर से वहां पर लोगों में काफी ज्यादा डर बना हुआ है, लोगों में काफी ज्यादा यहाँ पर नाराजगी बनी हुई है।